बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें इसका देखते हैं जी। ये कंपनी है फतेही होल्डिंग ग्रुप, 4180 इसका कोड है। इसका बहुत आपने रिक्वेस्ट की थी, इसका देखते हैं। देखें यहाँ पे, यहाँ से इसका एक बना था अप ट्रेंड और फिर यहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ था। वो वीडियो मैंने तब आपको बनाई थी, यहाँ से जब इसका ब्रेकआउट हुआ था तो फिर इसका ये टारगेट था पहला, और ये मैंने आपको दूसरा बताया था। तो दूसरा था कि गया नहीं, पहले से ही वो वापस आ गया। तो जब ब्रेकआउट को भी इसने अब ब्रेक कर दिया, तो अब ये क्लियरली डाउन ट्रेंड में है। तो आप इसमें से केयरफुल रहें, जब भी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो इसका भी हो क्या सकता है, जब ये 41.3 पे क्लोज है, ये 40.8 को टच करके दोबारा ऊपर जा सकती है, फिर नीचे आ सकती है, ऐसे करके अब ये नीचे को जाएगी और 36.16 से ये फिर दोबारा अपना ट्रेंड स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये इसका है, इस तरह ये अपनी मूवमेंट कर सकती है। इसका ज़्यादा चांस यही है कि ये ऐसे करेगा। अभी ये एक अभी ये 41 पॉइंट पे, अपन 40 अगर 40.8 पे बाई करते भी हैं, तो आपको फिर 41.5 पे इसको सेल करना होगा। फिर इसको बाई करें, फिर सेल करें अगर करना है तो, शॉर्ट टर्म के लिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो फिर आपको इस रेंज में बाई करना होगा, 36 के करीब बाई करना होगा। अभी इसमें बाइंग नहीं बनती लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो अभी आप इसमें से एंट्री ना लें अभी इसमें। तो अगर दूसरा जो शेयर आज का वो मैंने आपको बताना था, वो है इसका, ये कंपनी थी, सॉरी क्या नाम था इसका, 2070 इसका कोड है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसका बताना था कि इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये आप अगर लेना चाहें एंट्री तो इसमें ले सकते हैं आप। ये देखिए, अब इसने यहाँ से अब दोबारा डबल बॉटम लगाया है इसने, इसमें आप बिल्कुल एंट्री ले सकते हैं। एक यहाँ पे इसने बॉटम लगाया था, अभी एक दोबारा यहाँ पे लगाने के आ रहा है 30.47 पे, तो आप इस पे ले सकते हैं इसको 30.4 पे, 36.4 पे। और यहाँ से ये फिर इसका पहला टारगेट 39.05 और दूसरा 41.6 होगा। तो अब या फिर आप इसमें इसको इधर 50% सेल कर देंगे और 50% यहाँ पे अगर जाता है तो सेल कर देंगे। हो सकता है इसको टच करके दोबारा वापस आ जाए, ठीक है। तो आप अपनी स्ट्रेटजी उसी हिसाब से बना लें। और अगर इससे नीचे जाता है तो फिर आप इसमें से स्टॉप लॉस लगा दें, ये इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं 36.4 के करीब। तो इसमें एंट्री लेके यहाँ पे इसको 39 पॉइंट पे सेल करें, और दूसरा टारगेट इसका 41.6 होगा, ठीक है। तो ये दो शेयर थे जिसका मैंने आपको बताना था कि फतेही जो है वो नेगेटिव ट्रेंड में है, और जो ये है सऊदी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये अभी आप इन्हें एक अच्छे बाइंग रेंज में है, तो इसमें आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है जी। ओके।